हेलो एवरीवन, नमस्कार सबको। कैसे आप तमाशा करते हो? बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपने बहुत 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 ध्यान रखे होंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आपसे मैं बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ और बैकग्राउंड देख के आपको पता लग ही रहा होगा कि मैं अभी भी अपने गुवाहाटी घर में आसाम में ही हूँ, बिकॉज अभी कल परसों ही मम्मा का ऑपरेशन हुआ है एंड शी इज़ नॉट सो मच वेल। सो वी थॉट कि हम यहाँ पर और थोड़ा दिन रुकेंगे और उसके बाद जो परफेक्टली फाइन हो जाएंगी तब हम चलेंगे वापस। लेकिन एक्चुअली आई वाज नॉट इन मूड टू शूट एनीथिंग, लेकिन चीज़ें बहुत दिनों से आके रुकी हुई थी यहाँ पे। और जस्ट आप खाली बैठते हो ना तो आपके दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें घूमती है जो लाइक आपको और ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे थोड़ी देर बात कर लूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सब मैजिन का हॉल लेकर और इस हॉल को जल्दी से स्टार्ट करेंगे। जो मैं साड़ी का कलेक्शन लाई हूँ ये सबसे ज़्यादा डिमांडेड कलेक्शन है। जो साड़ी में लेकर आई हूँ है जामदानी साड़ी, जो बंगालीज का सबसे फेमस साड़ी होता है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए देखते हैं साड़ी कैसे आएगी। सो सबसे पहली जो साड़ी है वो ये ब्यूटीफुल सी ऑरेंज और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में साड़ी। दिस साड़ी आई परचेज फॉर माई मामा एंड आई डोंट नो, जब वो सही हो जाएंगी तो वो ज़रूर पहनेंगे इस साड़ी को, बट उनको जामदानी साड़ीज का बहुत ज़्यादा शौक है और बहुत ज़्यादा प्रेफर भी करती है। उससे पहले मीनवल, अगर आपको मेरा ये अनारकली का कुर्ता पसंद आ रहा है तो दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड ओरेलिया एंड दिस वॉज एन ऑफलाइन परचेज, बट आई सर्च किया अगर मुझे इसका कहीं पर लिंक मिल जाए तो आई डेफिनेटली प्रोवाइड यू विद द लिंक, बिकॉज ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुर्ता है। देखकर भी आपको लग ही रहा होगा, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल है, कलर बहुत ही सुंदर सा फूशिया पिंक कलर है। एक्जैक्टली व्हाट इज शोइंग इन द कैमरा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं साड़ी को। यह बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑरेंज एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में साड़ी है। दिस इज आई बोल सकते दिस इज नॉट प्योरली ढकाई जामदानी, दिस इज तात कॉटन जरी साड़ी, बिकॉज ये जो भी वर्क किया गया ये सारा जरी का काम किया गया है। बट ये ना जब आप देखोगे ना अंदर, इट इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल। सो जामदानी जितनी भी साड़ीज़ होती है या कॉटन तात की जितनी भी साड़ी होती है, आप महंगे से महंगे ले लो, उनमें कभी भी ब्लाउज पीसेस अवेलेबल नहीं होते हैं। सो ब्लाउज पीसेस आपको अपने आप से ही मैच करके पहनना पड़ेगा। यूजुअली आई थिंक मम्मा विल गो विद ब्लैक ब्लाउज विद दिस, बिकॉज वो ज़्यादा कलरफुल पसंद भी नहीं करती है। और सो जल्दी से साड़ी को देखते हैं। अगर आप साड़ी को देखोगे तो ऊपर की तरफ से इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल सा जरी का बूटा वर्क किया गया है एंड द साड़ी लुक्स लाइक दिस। अगर आप देखते हो तो बहुत ही ब्यूटीफुल वोवन काम किया गया है। अगर आप पीछे देखोगे ना, इट इज़ वेरी वेरी फाइन, कुछ भी चुभने वाला नहीं है इसमें। और ऊपर की तरफ इस तरीके से है। और व्हेन यू टॉक अबाउट तात साड़ीज और जामदानी साड़ीज, वन थिंग विच इज़ फेमस इज द बॉर्डर। यू जस्ट हैव टू लुक एट द बॉर्डर ऑफ द साड़ी। आधी साड़ी से बॉर्डर शुरू हो जाता है इसकी, इसका बॉर्डर यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है। जस्ट लुक एट द विड्थ ऑफ द बॉर्डर। बहुत ही ब्यूटीफुली इंटीग्रेटेड काम किया गया है इसमें। बहुत ही ब्लैक में गोल्डन बूटा दिया गया है, फिर ऑरेंज में इस तरीके से जरी का काम दिया गया है। और ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ना, ये वाइट वाइट, दिस इज समथिंग वुवन वर्क ऑफ वाइट कलर का स्टिचिंग का काम किया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी का कॉम्बिनेशन है। मम्मा विल लुक सो ब्यूटीफुल इन दिस। पूरी की पूरी साड़ी आपकी एक सार सी है, जहाँ तक आप देखोगे साड़ी सेम है आपकी। और आगे चलकर पल्लू के टाइप, पल्लू के पास जब आप पहुँचते हो तो इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये जो काम है, ये थोड़ा सा, ये जो कपड़ा है ना, ये थोड़ा सा आर्ट सिल्क टाइप का कपड़ा है। आप चंदेरी बोल सकते हो, गर्मी लगी बहुत ज़्यादा। सो आंचल को इन्होंने थोड़ा सा प्लेन दिया है, जो पल्लू का सेक्शन है उसको थोड़ा सा प्लेन दिया है, बिकॉज साड़ी थोड़ी सी हैवी है। बट वैसे मुझे साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बट जैसे मुझे दिखाया गया था वो ये दिखाया गया था। आई एम हैप्पी विद दिस ऑल्सो, बट एग्जैक्टली जिस तरीके से इमेज में दिखाया गया था उस तरीके से नहीं आया है ये। बट आई एम कीप द साड़ी, बिकॉज इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल। ट्राई ऑन का मैं पता नहीं लगा सकती, बिकॉज मेरे यहाँ पे कुछ भी ब्लाउजेज अवेलेबल नहीं है, लेकिन आई ट्राई कि मैं आपको कैसे भी करके ट्राई ऑन दे सकूँ। मम्मा की एक भी ब्लाउजेज मुझे नहीं आती है तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। जल्दी से देखते दूसरी साड़ी। दूसरी जो साड़ी है बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पलिश कलर की साड़ी है। यू कैन ऑल्सो कॉल दिस लैवेंडर एंड लैवेंडर एंड वाइट का इसमें काम किया गया। बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है। दिस ऑल्सो आई बॉट फॉर माई मामा एंड दिस इज प्योर जामदानी साड़ी, बिकॉज जामदानी जो साड़ी होती है ना उसमें आपको कभी भी जरी का काम नहीं मिलेगा। यू कैन आइडेंटिफाई वेरी इजीली द जामदानी साड़ी। इट इज एग्जैक्टली द वे इट इज शोन इन द फोटो एंड इट इज वेरी 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 ब्यूटीफुल। जल्दी से इसको खोल के देखते हैं। सबसे पहले इसके पल्लू सेक्शन देखेंगे, वही मेरे हाथ में आया है। तो ये आगे इस तरीके से बहुत ही सिंपल सा लाइनिंग दिया गया है, बट लुक एट द कलर कॉम्बिनेशन, पर्पल आई मीन लैवेंडर वाइट एंड बेज। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन दी गई है साड़ी की, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और अब आगे की ओर बढ़ोगे तो पूरी की पूरी साड़ी में इस तरीके से भर के काम दिया गया। ये जो बेज वाइट का जो कॉम्बिनेशन, ये आपको थोड़ी दूर तक इसी तरीके से भर के मिलेगा। उसके बाद आप जैसे ही थोड़ा सा बॉर्डर बीच में जाओगे, बॉडी पोर्शन में आओगे, तो ये जो भर के काम दिया गया था थोड़ा सा कम हो जाएगा। एक लाइन बेज का, एक लाइन वाइट का, इस तरीके से आ जाएगा ये पूरा का पूरा काम। एंड ये लास्ट के सेक्शन में इस तरीके से ये प्लेन आ जाता है, जहाँ पे ये साड़ी को आप टकिंग करते हो। तो इसका भी ट्राई ऑन मैं साइड में लगा दूंगी। एंड प्राइस मुझे किसी का भी याद नहीं है, मैं आपको स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी इसका प्राइस कितना था। दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। जामदानी साड़ीज़ की ना एक खासियत क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा, अगर आप देखोगे ना,
तो आपको देख के बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं लगेगा, बट ऑल द जामदानी साड़ीज आर वेरी कॉस्टली. आई थिंक दिस आई हैव ब्रॉट इन समथिंग अराउंड 2000-2500. मुझे दाम मुझे रेट इतने अच्छे तरीके से याद नहीं है, बट मैं स्क्रीन में मैंशन करती हूँ. उसके बाद देखिए कौन सी साड़ी मैंने ऑर्डर की है. उसके बाद जो मैंने ऑर्डर की है साड़ी, वो बहुत ही ब्यूटीफुल सी मेहंदी कलर की साड़ी है. एंड दिस वॉज रिक्वेस्टेड साड़ी फ्रॉम मिस पूजा, एंड ऑन योर रिक्वेस्ट आई हैव गॉट दिस साड़ी. एंड आपने मुझे मीशो से बोला था, बट बिकॉज आई वॉज डूइंग एन अमेजन हॉल आई गॉट इट फ्रॉम अमेजन. और मुझे बहुत ज़्यादा प्राइजी भी नहीं लगा, बट जस्ट हैव लुक ऑन द साड़ी. बहुत ही ब्यूटीफुल है, बॉर्डर इज सो सो रिच. जल्दी से उसको खोल के देखते हैं कि किस तरीके से आई है ये साड़ी. मैं थोड़ा सा ब्लैबर कर रही हूँ बीच बीच में ना, बिकॉज मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है. इवन तो आई एम शूटिंग, मेरे दिमाग में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मम्मा के लिए चल रही है, जो मतलब नॉट मेकिंग मी स्टेबल, बिकॉज अभी उनका बायोप्सी का रिपोर्ट आना बाकी है. विच विल कम ऑन ट्यूजडे. होपफुली काना जी विल ब्लेस अस विद सम गुड न्यूज. एंड बट स्टिल एक टेंशन सी होती है ना, और बात जो अपने घर वालों की हो ना, तो टेंशन दुगनी हो जाती है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द साड़ी. अगर ऊपर की और देखोगे तो आप बहुत ही ब्यूटीफुल से बूटा वर्क किया गया है. बहुत ही फाइन वीविंग क्वालिटी इज़ वेरी 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 फाइन. और उसके बाद पूरी की पूरी साड़ी से बीच में से प्लेन है, बट अगर आप नीचे देखोगे तो जस्ट हम लोग अंदर बॉर्डर, इट इज़ सो सो ब्यूटीफुल. एंड जस्ट लुक एट द कलर, इट इज़ परफेक्ट फॉर मेहंदी. अगर आप ये साड़ी किसी भी मेहंदी फंक्शन में पहनोगे एंड देन यू विल पेयर अप विद सम पर्ल ज्वेलरी और कुंदन ज्वेलरी, इट इज़ गोइंग टू लुक सो ब्यूटीफुल. यहाँ पे मेरा कोई भी ज्वेलरीज नहीं है, बट आई विल ट्राई टू लुक ब्यूटीफुल. सो पूरी की पूरी साड़ी इस तरीके से प्लेन जाती है. नीचे इसका बॉर्डर का काम बहुत ही ब्यूटीफुल भर के दिया गया है, जस्ट अवर कलर्स. और इसी तरीके से पूरी की पूरी साड़ी प्लेन चलती है, लेकिन जब आप पल्लू की ओर आते हैं तो पल्लू में इस तरीके से भर के काम किया गया होता है. ये जो काम है ये भी जरी का काम है, वुवन वर्क है. जस्ट गोइंग टू लुक वेरी ब्यूटीफुल, जस्ट अवर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. तो दिस आर द थ्री साड़ीज विच आई गॉट फ्रॉम अमेजन, एंड ऑल आर लाइक टू द क्वालिटी इट इज़ बेस्ट. ये जो साड़ी है ना, इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है. ये साड़ी ऐसी वाली साड़ीज होती है जो आप एक बार बांधोगे ना तो ये बहुत अच्छी तरीके से बन जाए. ये जामदानी साड़ीज का क्या होता है, एक तो महंगे होते हैं, दूसरा आप उनको लगाओगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको आयरनिंग करके पहनना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप आयरनिंग नहीं करोगे तो फुल फुल सी होती रहेगी. सो बट ट्राउन मैं सभी का लगा दूंगी. ब्लाउज आई डोंट नो मैं कहाँ तक मैच कर पाऊंगी, तो प्लीज़ ब्लाउज को आप अवॉइड कीजिएगा, ब्लाउज को मत देखिएगा, बस साड़ी का लुक देखिएगा. सो दिस वॉज द थ्री थिंग्स विच आई बॉट फ्रॉम अमेजन, एंड इट वॉज डिलेड शूट बिकॉज मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था शूट करने का. एंड कल आएगा मेरा बहुत ही ब्यूटीफुल सा मीशो का हॉल. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. टिल देन बाय बाय, टेक केयर. अपना बहुत 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 ध्यान रखिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए. आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत है. मैं वैसे बहुत स्ट्रेस्ड नोट से गुजर रही हूँ. प्लीज़ आपका सपोर्ट दिखाइए मुझे. शो सम लव. थैंक्स फॉर वॉचिंग.